हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरम्स किचन। दोस्तों, आपने हलवा तो कहीं तरह का खाया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीटरूट हलवा की रेसिपी, जो बहुत हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी। ये फुल ऑफ आयरन है और अच्छी बात, इसमें हम चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो हलवा बिना चीनी के बनेगा कैसे, देखते हैं रेसिपी में। तो दोस्तों, ये हलवा बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर बीटरूट। हम 1/2 kg बीटरूट लेंगे, अच्छे से धोकर इन्हें हम छील लेंगे। बीटरूट में बहुत सारा आयरन होता है और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो मैं इनको भी छील कर ग्रेट कर लेती हूँ। तो मैंने बीटरूट सारा ग्रेट कर लिया है। चलिए अब हम फटाफट से हलवा बनाते हैं। मैंने कढ़ाई गैस पर रख ली है। मैं सबसे पहले डालूंगी 2 tablespoons देसी घी। मैं लूंगी 8-10 काजू, जिनको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 8-10 बादाम हैं, जिनको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। हम काजू और बादाम को थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पिस्ता, किशमिश या अपने चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हो। ये देखिए, काजू और बादाम हमारे भून चुके हैं। बहुत सुंदर इनका सुनहरा कलर आ गया है, तो मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी इस बचे हुए घी में जो हमने बीटरूट ग्रेट किया था, मैं इसको डाल दूंगी। बीटरूट को हम घी में अच्छे से भून लेंगे। अभी 2 से 3 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही भूनूंगी, ताकि जो बीटरूट का पानी है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए। बीटरूट को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, तो एट दिस स्टेज मैं इसमें डालूंगी 1/2 cup दूध। कितना सुंदर रंग लग रहा है इसका, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। दूध हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम दूध डालेंगे उतना ही फिर हमें उसको दूध को सुखाने के लिए भूनना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ इतना दूध डालना है कि बीटरूट अच्छे से पक जाए। मैं इसे एक लिड से कवर कर दूंगी और अभी हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। बीटरूट को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, देखिए एकदम ये सॉफ्ट और मशी हो गया है, जैसा हमें चाहिए। एट दिस स्टेज हमें इसमें स्वीटनर डालना है, तो मैं ले रही हूँ 1/4 cup जीरो शुगर, जो 100% नेचुरल स्वीटनर है, क्योंकि ये बना है स्टीविया और मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ। साथ में मैं इसमें डालूंगी 1/4 teaspoon इलायची पाउडर, और हम बहुत अच्छे से दोनों चीजों को मिक्स करेंगे। जितनी क्वांटिटी में हम चीनी डालते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में हमने यहाँ पर जीरो शुगर डाला है। अगर आप मीठा तेज खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। ये टेस्ट में तो बिल्कुल चीनी जैसा है, लेकिन इसमें चीनी की तरह कैलोरीज नहीं है, ये जीरो कैलोरी है, यही इसकी खासियत है। हलवे को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, इसने कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है। एट दिस स्टेज मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम खोया, या मैं रेडीमेड खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारे हलवे में एक रिचनेस आएगी और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ इसको। ये देखिए, हलवा बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, हमारी कढ़ाई के बेस पर बिल्कुल रेडी है। एट दिस स्टेज जो हमने अपने काजू बादाम भुने थे, मैं इनको डाल दूंगी, थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। हलवा बिल्कुल रेडी है, तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मैं हलवे को सर्व कर लूंगी। मैं हलवे को गार्निश करूंगी थोड़े बारीक कटे हुए काजू के साथ। तो दोस्तों, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये बीटरूट हलवा तैयार है। आपने देखा हमने इसे कितनी आसानी से बना दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और दोस्तों इस वक्त जीरो शुगर पर वन प्लस वन का ऑफर भी चल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।